और अब बात अयोध्या की, जहां 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर हैं। भूमि पूजन में पीएम मोदी के शामिल होने का कार्यक्रम तय होने के साथ पवित्र नदियों का जल और पवित्र स्थलों की मिट्टी लाने का काम शुरू हो गया है। आज यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या पहुंचेंगे। सुबह 9:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचकर मौर्य 10:05 पर हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। दोपहर 12 बजे अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक करेंगे और इसके बाद लखनऊ लौट जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ अशोक तिवारी जुड़ गए हैं। अशोक, क्या डिप्टी सीएम अकेले ही जाएंगे वहां पर या फिर कुछ और नेता भी उनके साथ जा सकते हैं, मंत्री जा सकते हैं? देखिए, अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का दौरा किया था और उस दौरान भी मुख्यमंत्री का दौरा अकेले ही था। आज भी जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य है, उनका अकेला दौरा अयोध्या को बताया जा रहा है। हालांकि जो अयोध्या के स्थानीय नेता है उनके वहां पर रहने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी तक जो शेड्यूल जारी किया गया है उप मुख्यमंत्री का, उसमें सबसे पहले वो अयोध्या पहुंचेंगे, हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे और उसके बाद 12 बजे सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक होगी। दरअसल ये पूरा जो प्लान है वो 5 तारीख को अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी जानी है, यानी भूमि पूजन होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों द्वारा, उसी की तैयारियों के मद्देनजर ये दौरा माना जा रहा है। अभी योगी आदित्यनाथ ने पूरा दौरा किया था, अधिकारियों के साथ बैठक की थी, तैयारियों को लेकर जायजा लिया था। ठीक उसी तरह से केशव प्रसाद मौर्य भी आज अयोध्या पहुंचेंगे। कई घंटे अयोध्या में रहने का उनका कार्यक्रम है, जिसमें दर्शन पूजन के अलावा साधु संतों से मुलाकात प्रस्तावित है और अयोध्या में 5 तारीख की यानी 5 अगस्त की तैयारियों को लेकर क्या कुछ अभी तक तैयारियां हुई है और क्या कुछ तैयारियां होना बाकी है, उस पर आज बैठक केशव प्रसाद मौर्य संबंधित अधिकारियों के साथ लेने वाले हैं। हालांकि उनके साथ किसी और मंत्री या विधायक के जाने की अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन जो स्थानीय नेता है वो वहां पर जरूर मौजूद रहेंगे।